भारत की संसद ने जब ये पास किया नागरिकता बिल, अगले दिन रामलीला मैदान दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने क्या कहा था कि अब आपको बाहर निकल के आना पड़ेगा, अब आपको सड़कों पे आना पड़ेगा और आर पार की लड़ाई करनी होगी। लेकिन इस बिल में किसी के खिलाफ कुछ भी तो नहीं, तो भारत के जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं सब उनको परेशानी होने लगी इससे। राष्ट्र विरोधी ताकतों की क्यों गई भाइयों धरती हिल, राष्ट्र विरोधी ताकतों की क्यों गई भाइयों धरती हिल, भारत की संसद ने जब ये पास किया नागरिकता बिल, राष्ट्र विरोधी ताकतों की क्यों गई भाइयों धरती हिल, राष्ट्र विरोधी पार्टियों की क्यों गई भाइयों धरती हिल। अध्यापक हैं या दूसरे महकमों में शिक्षित हैं या जो बच्चे नौजवान हैं पढ़े लिखे, विशेष रूप से उनको ये ध्यान से सुननी चाहिए, उनको ये समाज में बताना पड़ेगा जाकर के कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बिना मतलब ही लोगों को मरवा रहे हैं। सुनिए, बड़े बड़े नेताओं द्वारा जनता को भड़काया गया, मुस्लिमों की छिन जाए नागरिकता यूं कह के बरगलाया गया, मुस्लिमों की छिन जाए नागरिकता यूं कह के बरगलाया गया, और सरकारी संपत्तियों को भी आग में धधकाया गया, गोली पत्थर बम फेंक कर लोगों को मरवाया गया, गोली पत्थर बम फेंक कर लोगों को मरवाया गया। हाँ, इन ताकतों के साथ में पाकिस्तान रहा है गुपचुप मिल, राष्ट्र विरोधी ताकतों की क्यों गई भाइयों धरती हिल, राष्ट्र विरोधी ताकतों की क्यों गई भाइयों धरती हिल। संसद ने पास किया था नेहरू जी के जमाने में, उसमें केवल इतना संशोधन किया गया, उसमें तो ये था कि 5 सालों से जो भी भारत में बाहर के आए हुए हैं हिंदू या दूसरे बौद्ध उनको हम नागरिकता देंगे, उसमें था कि 11 साल में 11 साल के अंदर अंदर जो आए हुए हैं जब उनको 11 साल रहना जरूरी है, लेकिन इसमें इतना अमेंडमेंट किया कि 5 साल ही जो भारत में रह चुके हैं हम उनको भी इसमें नागरिकता देंगे, केवल इतना इसमें अंतर किया गया है। तो क्या बताया, और नवयुवक मंडल सागवा वाले इस देशभक्ति गीत पर 200 रुपए देते हैं, आप जोरदार ताली नवयुवकों के लिए बजाए, धन्यवाद। पहले सन 2014 से पहले अल्पसंख्यक जो आए हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए हुए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए हुए, हाँ हिंदू बौद्ध और जैन ईसाई पारसी थे दुख पाए हुए, 70 सालों से अब तक वे
बाट देख रे मुठाए हुए 70 साल से अब तक वे बाट देख रे मुठाए हुए। वे कैंपों में रह रहे हैं अलग अलग, दिल्ली में भी जहां मजनू का टिल्ला है वहां भी हैं, बहुत से सिख हैं बेचारे, और वे नागरिकता के लिए तभी से इंतजार कर रहे हैं। तो इस बिल के आने से, इस बिल के उनसे भला, इस बिल से उनके चेहरों पर हो, इस बिल से उनके चेहरों पर भी गई है मुस्कान अब खिल, राष्ट्र मिले अभिमान की क्यों गई भाई धरती। इसमें 5 धर्म लिए गए हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी। उनका कहना है कि जब सब समान है हिंदुस्तान में तो मुस्लिम क्यों छोड़ दिए, तो वो बात मैं फोकस कर रहा हूं, जो सुनने वाले भाई हैं इस बात पर फोकस करें कि मुसलमानों को क्यों छोड़ा गया, क्योंकि वहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं और जो बहुसंख्यक हैं वो प्रताड़ित नहीं हैं, वहां दुखी नहीं हैं। इसलिए जब वे बहुसंख्यक हैं तो यहां आने का उनका क्या मतलब है, उनका मतलब इसलिए नहीं है कि वे वहां दुखी थे, वे तो इसलिए आए हैं कि यहाँ घुसपैठियों की तरह घुस करके भारत विरोधी एक्टिविटीज करना, इसलिए उनको नागरिकता देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये बात मैं इसमें साफ करी है, सुनिए गौर से। हाँ मुस्लिम को क्यों छोड़ा इसमें, मुस्लिम को उन इस्लामिक देशों में कोई बहुसंख्यक प्रताड़ित नहीं, उन इस्लामिक देशों में कोई बहुसंख्यक प्रताड़ित नहीं। वे कहते हैं सब समान हैं, वे कहते हैं सब समान हैं, भेद की नीति सही नहीं। वे कहते हैं कि सब समान हैं, हमें क्यों छोड़ दिया, तुम सब समान हो, तुम तो 4 शादी भी कर लेते हो, हम तो नहीं कर पाते, हिंदू पे तो एक्ट लग जाएगा, मुसलमान पे क्यों नहीं लगता, क्योंकि सब समान नहीं है, अल्पसंख्यकों को यहाँ आरक्षण दिया जाता है, हमें तो नहीं दिया जाता। बताइए अब 10% का मिला है, वो भी गरीबों को, औरों को तो नहीं मिला, तो इसलिए सब समान नहीं है, जिसकी जैसी जरूरत है वैसा ही उनको सुविधाएं मिलती हैं। तो ये बात मैं इसमें साफ कही है, कैसे भला। हाँ वे कहते हैं सब समान हैं, भेद की नीति सही नहीं, अलग धर्म को अलग सुविधा, फिर समानता कहाँ रही, अलग धर्म को अलग सुविधा, फिर समानता कहाँ रही, कह करम पाल सब रहो प्रेम से हो, भारत की संसद ने जब ये पास किया नागरिकता बिल, राष्ट्र विरोधी ताकतों की क्यों गई भाइयों धरती हिल, राष्ट्र विरोधी ताकतों की क्यों गई भाइयों धरती।